ये डेटिंग ऐप एज अ फ्रेंड के तौर पे भी है और एज अ रिलेशनशिप के तौर पे भी है। उसको सेक्स के तौर पे आप जैसे लोगों ने बनाया है जो गलत फ़ायदा उठाता है इस ऐप। हे गाइस, आई एम आरू। सो वेलकम बैक टू योर चैनल। श्यू आर नाउ। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? ज़रूर कमेंट कर देना और हमें बताना। तो गाइज, एक्चुअली मतलब ना, बहुत सारे लोगों के बीच में एक डाउट होगा कि शिव अर्णव ऐसा करते होंगे क्या। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है शिव अर्णव डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं। या नहीं? सो गाइज, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बट चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा देना। और साथ ही साथ अपने फैमिली, फ्रेंड, मेंबर, अराउंड सभी लोगों को शेयर कर देना। जितने भी आपके गे फ्रेंड हैं फेसबुक वगैरह पे, उनको भी शेयर कर देना। और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी नेम है सी डॉटर नो यस। सो गाइज, बिना देर के आज का हम वीडियो शुरू। मैं भी कुछ पॉइंट लेके आपसे बात करूँगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि शिव अर्णव डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं या नहीं। तो उसका आंसर पहले आरो देगा। यस गाइस, हम दोनों ही डेटिंग ऐप यूज करते हैं, लाइक ब्लूट हो गया, ग्रिंडर हो गया, इन दोनों ऐप को हम दोनों यूज करते हैं। यस, हम ये दोनों ऐप यूज़ करते हैं। और उसमें कुछ अभी फ़िलहाल, मतलब मैं तो नहीं यूज़ कर रहा था, बट कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने मतलब रिसेंटली ऐप यूज़ कर रहा हूँ। और उसमें मैं कभी कभी लाइव भी आता हूँ। तो यस, हम हम अब यूज़ हमारा करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि हम रिलेशनशिप में होने के बावजूद ये ऐप आखिर यूज़ क्यों करते हैं, हमें इससे क्या फ़ायदा होता है। तो गाइज, इसका भी आंसर पहले आरो देगा। इस ऐप को यूज़ करने का हमारा मकसद एक ही है, सिर्फ फ्रेंड फ्रेंड ओनली फ्रेंड। यस गाइज, क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से क्या होता है ना, अगर हमारे जैसा अगर कोई बंदा होगा तो वही हमारी फीलिंग को समझ सकता है। तो गाइज, डेटिंग ऐप यूज़ करने का मकसद हमारा यही है कि हम एक हमारे कम्युनिटी के अच्छे फ्रेंड हमारे पास अट्रैक्ट कर पाए, हम हमारे कांटेक्ट में ले पाए। क्योंकि जो भी इस ये ऐप है या फिर जो भी एलजीबीटी में आता है, उनको अपने अराउंड ज़्यादातर गे या फिर उसके कम्युनिटी के ही लोग सपोर्ट में आते हैं। तो गाइस, कभी भी याद रखना, अगर आपके पास अगर इस कम्युनिटी का एक भी फ्रेंड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना कोई जंग लड़ पाओगे। तो इसलिए हम भी ऐसे मतलब अराउंड, मतलब आगे फ्यूचर में शायद हमें कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है और शायद उन्हें भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। और शायद हमें, हम दोनों को देख के वो अपने लाइफ में कुछ कर सके। वरना डेटिंग ऐप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ ना एक मतलब हर किसी के मन में एक थॉट रहा है कि गैप सिर्फ ना मतलब वो सब एक सेक्सुअलिटी के तौर पे काम आता है, गलत बट हम ये सब गलत साबित करना चाहते हैं। तो इसलिए हम ये डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी वहाँ से हमें मतलब अच्छे खासे मिलेंगे, बिकॉज़ वो इसी फील्ड रिलेटेड है। सो दैट्स वाई हम वहाँ से कुछ सब्सक्राइबर मतलब लेना चाहते हैं। और हमें, हम भी उन्हें बताना चाहते हैं कि एक लव रिलेशन या फिर एक गे कपल भी तो उसका। गाइस, हमारा थर्ड पॉइंट है कि गे डेटिंग ऐप चलाने से हम दोनों की रिलेशनशिप में कोई प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे बीच में कोई झगड़ा, कुछ अलग निगेटिविटी क्रिएट होती है या नहीं। हाँ, कभी कभी हम मतलब जैसे मेरा मूड होता है फ्लर्ट करने का, तो मैं फ्लर्ट करता हूँ, तो इसको जेलेसी फील होता है गाइस। तो गाइस, एक्चुअली फ्लर्ट करना ये गलत बात है, क्योंकि आरुक में ये आदत सुधारने के तौर पे मतलब सुधार रहा हूँ और धीरे धीरे वो भी सुधार रहा है। क्योंकि कोई भी फुल हमारा जो भी है, देखो गाइस, पहली बात, हम जैसे भी है जो भी है आपके सामने, हमें डबल मुखौटा लेके आपके साथ या फिर किसी और के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अगर मेरी कुछ भी अगर कमी हो तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ या फिर आरू आपको बताता है, और आरू की अगर कोई कमी हो तो मैं आपको बताता हूँ। और मैंने ये बात पहले भी बोली है कि हर किसी का एक अट्रैक्शन होता है। तो आरू बस या फिर मैं भी मतलब अट्रैक्शन तौर पर हाँ उनसे फ्लर्ट करते हैं, बट वो फ्लर्ट कैसा होता है, एक सेक्सुअलिटी रिलेटेड नहीं होता। ये भी बात आप अच्छे से समझ लो, जो भी हम फ्लर्ट करते वो सेक्सुअलिटी रिलेटेड बिल्कुल नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, हम दोनों के बीच में ज़्यादातर कभी झगड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि हाँ हम दोनों में एक बात कॉमन है कि हम दोनों में मैच्योरिटी अच्छी है। आरू को मैं समझ पाता हूँ और आरू मुझे समझ पाता है, इसलिए मुझे कभी भी आरू के ऊपर कभी डाउट नहीं होता और ना ही आरू को मुझे मेरे ऊपर डाउट होता है कि अगर ये डेटिंग ऐप यूज़ करेगा तो इससे हमारे रिलेशन में कोई प्रभाव पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये डेटिंग ऐप से
हमारे रिलेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और ना कभी पड़ेगा। अगर हाँ, अगर आप में से अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप में है जो दोनों तरफ से डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं बट उनमें ट्रस्ट नाम की चिड़िया उड़ गई है, तो गाइज़ आपको उसी टाइम पे वो ऐप डिलीट करना चाहिए या फिर आप दोनों में वो ट्रस्ट गाइज लाना चाहिए। आपका मतलब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि डेटिंग ऐप चलाने के लिए या फिर हम दोनों मतलब ये ऐप चलाने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट क्यों करते हो। तो गाइज सपोर्ट क्यों करते हैं, तो ये बात तो बहुत बड़ी है क्योंकि मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, जब भी हम वो ऐप यूज़ करते हैं या फिर हम किसी से चैट करते हैं उस टाइम पे मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने हमें बोला है कि आप रिलेशनशिप में हो और आप एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हो कि आप ऐप मतलब ये ऐसे वगैरह। तो गाइज सपोर्ट हम इस तो गाइज जैसे कि मैंने बताया, हम सपोर्ट बस इसलिए करते हैं ताकि हमारे बीच में हमारे अराउंड एक अच्छा फ्रेंड सर्कल क्रिएट कर पाए और हम दोनों को कोई ना कोई तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल पाए। क्योंकि रिलेशनशिप में होने का मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंड नहीं बना सकते हो, फ्रेंड फ्रेंड बना ऑब्वियसली सकते हो। डेफिनेटली बना सकते हो, तो इसलिए हम एक दूसरे को सपोर्ट। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि डेटिंग ऐप पर आपको लोग ट्रोल करते हैं या नहीं, और अगर आपको लोग ट्रोल करते हैं तो उसका जवाब कैसे देते हो आप। ट्रोल तो करते हैं, लाइक तुम जैसे रिलेशन में हो तो ये ऐप पे क्या कर रहे हो। उनका एक एक ही मकसद होता है कि मतलब ऐप पे अगर हम ये ऐप यूज़ कर रहे हैं तो हम सेक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं, हम फ्रेंड के लिए ये ऐप यूज़ करते हैं। उनको जवाब ऐसा देते हैं कि मतलब तुमको क्या लेना देना है, अगर मैं ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ, ये ऐप यूज़ करने के लिए बना है और हम यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड के लिए हैं, सेक्स के लिए नहीं है। फिर भी लोग पूछते हैं कि मिलना चाहोगे क्या, ऐसा वैसा नहीं हमारे का। यस गाइस, बहुत बार ऐसा हुआ है एक्चुअली। मैंने जब अपलोड का आईडी ओपन किया, ग्रैंडर का आईडी ओपन किया, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी हम दोनों की फ़ोटो लगाई है और साथ में लिखा भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में कि आई वांट ओनली फ्रेंडशिप नॉट अदर सेक्स एंड ऑल। फिर भी गाइस मतलब पता नहीं उन लोगों का क्या मेंटेलिटी होती है, फिर भी मतलब मुँह उठा के आएंगे, पहले बोलेंगे हाय हेलो यू टॉप बॉटम यू फ्रॉम यूअर पीक ऐसे मतलब अटपटे से सवाल पूछेंगे। और फिर जब हम उन्हें मतलब उनके तरीके से हम जवाब देते कि भाई हम बस फ्रेंडशिप चाहते, तब उस टाइम पे हमें वहाँ से जवाब मिलता है कि अगर आप मतलब रिलेशनशिप में हो तो आप ये ऐप यूज़ करते हो, मतलब क्यों करते हो ये ऐप यूज़, इससे आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्या, या फिर इसमें मतलब आपको शर्म नहीं आती क्या। ऐसे बहुत सारे ट्रोल मिलते हैं, उस टाइम पे हमारा सिर्फ एक ही जवाब होता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपको दिखेगा। हम दोनों वहाँ पर इसलिए है ताकि हम अच्छे फ्रेंड मिल पाए, मतलब हमें अच्छे फ्रेंड मिल पाए, और आप वहाँ पर इसलिए हो ताकि आपको एक अच्छा सेक्स वाला पार्टनर मिल पाए। तो गलती कहाँ पर है, यहाँ पर सोच की गलती है। हम सोचते हैं कि हमें फ्रेंड मिले, आप सोचते हो हम यहाँ पर सेक्स मिले, तो आप दोनों मतलब ये सोच अलग है ये सोच अलग है। तो ऑब्वियसली गाइज अगर आप मतलब किसी को ट्रोल कर रहे हो तो आप जज नहीं कर पाओगी ये बात कि वो सच में उस बात को मतलब वहाँ पर अगर रिलेशनशिप में है तो मतलब ये ऐप यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो पर्सन है, हमारा डिसीजन है। तो गाइस जो लोग हमें ट्रोल करते हैं, पहली बात हम उनको निगलेक्ट करते हैं ना उनकी तरफ ध्यान देते हैं। हाँ, अगर उन्हें वो अगर ज़्यादा ट्रोल करने लगे उस टाइम पे हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और उसी टाइम पे वो बंदा हमें मैसेज करने या तो छोड़ देता है या तो हमारी बात मानता है। सो गाइज इस तरीके से हम जवाब देते हैं। तो आई होप सो गाइज आपको ये बात पता चली होगी कि हम दोनों रिले मतलब गे ऐप यूज़ करते हो बट वो ऐप किस लिए यूज़ करते हैं। और प्लीज़ गाइज कमेंट मत करना कि मतलब रिलेशनशिप में होने के बाद भी आप ये ऐप यूज़ कर रहे हो तो गलत है, इसमें कोई गलत नहीं है। गे डेटिंग ऐप एज अ फ्रेंड के तौर पे भी है और एज अ रिलेशनशिप के तौर पे भी है, उसको सेक्स के तौर पे आप जैसे लोगों ने बनाया है जो गलत फ़ायदा उठाता है इस ऐप का। सो गाइज आई होप सो आज का ये वीडियो मोटिवेशनल जो भी आप ब्लॉग वगैरह जो भी बोल सकते हो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस कम्युनिटी के, और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी है shiv.arnav। सो गाइस आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। सो बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय बाय।